कोरोना के प्रति सावधानी बरतने का संदेश देने के लिए आज नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन की पहल पर मुन्नालाल शर्मा ने यमराज की भूमिका अदा की और बाजार में कोरोना व यमराज का अभिनय कर सभी से सोशल डिस्टेंस का पालन करने, मास्क पहनने और बार बार हाथ धोने का संदेश दिया। दूरी बना कर रखें। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमान मुकेश टंडन जी द्वारा संपूर्ण विदिशा शहर में सैनिटाइजर का काम किया गया है। उसी के कारण आज कोरोना और यम महाराज आपस में समझ नहीं पा रहे कि हम विदिशा में करें क्या। जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमान मुकेश टंडन जी की छाया। मुझे बताना नहीं होती महाराज, ये पुलिस डिपार्टमेंट बहुत खराब है। टाइम से जाते हैं, टाइम से आते हैं, जनता की सेवा में कोई कमी नहीं रखते हैं महाराज। एक बार इन्होंने कमी की, इन्हें कोई भी नहीं छोड़ूंगा। ये कौन है कि चौक से महाराज बहुत परेशान है। ये चौक से को देखना, कब मास्क नहीं लगाए। ठीक है महाराज, नहीं छोड़ेंगे। ये नगर पालिका के अध्यक्ष ने मुझे परेशान कर रखा है अपने मंडल अध्यक्षों से। ये सुरेंद्र चौहान नाम का प्राणी, ये मुकेश टंडन जी नाम के प्राणी ने मेरे मार्ग में रोड़ा डाला है महाराज। सैनिटाइजेशन करा दिया महाराज, मास्क पड़वा दिए, लोगों को प्रेरित कर दिया कि लॉकडाउन का पालन करो। अगर आज ये नगर पालिका मेरे आड़े नहीं जाती, अगर लोग बाहर होते, हाथ नहीं धोते, मास्क नहीं लगाते, तो मैं लाखों का ढेर लगा देता महाराज। आप चिंता ना करें, आपका ये यमदूत इंतजार करेगा लोगों की गलती का, और मैं लाखों के ढेर लगा के आत्मा यमलोक में पहुंचाऊंगा महाराज। मैं कोरोना हूँ। विदिशा की जनता मानती कि मास्क लगाने से क्या होगा, वो तो बाहर निकलेगी, वो बाहर निकलेगी, दुकानों पे भीड़ लगाएगी। अध्यक्ष कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक दूसरे से चैट कर बैठेंगे, वो एक दूसरे के गले में हाथ डालेंगे। कोरोना तुम उनके पास जाओ और उनको लेकर आओ। तो समस्या है महाराज, विदिशा की जनता तो निकलती है, एक दूसरे के समीप भी बैठती है, लेकिन ये नगर पालिका, ये अध्यक्ष, ये लोग रोड़ा बनते हैं, समझा देते हैं और उन्हें घरों में घुसा देते हैं और मेरी बात को तोड़ देते हैं महाराज। नगर पालिका अध्यक्ष का है, उसको मेरे सामने पेश किया जाए। आक्रमण। एक मीटर की दूरी बनाकर रखें। कोरोना और यम में आने से पहले ही बेचैन हो चुके हैं कि हम विदिशा में क्या करें। मास्क लगवा दिया, नहीं तो एक बुजुर्ग को उठा ले जाता हूं मैं। नगर पालिका अध्यक्ष खड़े होंगे, मास्क नहीं लगाएंगे तो अपन रायसेन तक तो आ ही जाए, थोड़ी देर में पंजाब ले जाएंगे और इन लोगों को ले चलेंगे। चिंता मत करिए, अपने नरक में जगह बहुत है। और ये गाँव के विदिशा की जनता मासूम है, क्योंकि वो तो चिपक चिपक के खड़ी होती है। जो श्री रामलीला में विभिन्न पात्रों के पाठ करते रहे, उन सबका ये मन था कि हमारे अभिनय का लाभ भी शहर के लोगों को मिले और जागरूकता के माध्यम से मिले, इसलिए इन्होंने यमराज का, हमारे बहुत ही परम मित्र हैं मेरे भाई मुन्ना जी महाराज, भाई आशीष जी, प्रशांत जी, दरबार साहब, इन चारों ने मिलकर कोरोना और यमराज की भूमिका में आकर जनता को जागरूकता करने का काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। वास्तव में इस महामारी में जिसकी जो योग्यता है उसके हिसाब से जनता को जागरूक करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। मैं सभी सामाजिक संगठनों को, हमारे ये सभी जो चारों मित्र हमारे अभियान कर रहे हैं, सबको बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप लोगों के माध्यम से जनता से ये निवेदन करता हूँ कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है और कोरोना से बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग हमको दूरी रखना पड़ेगी, व्यक्ति से व्यक्ति की दूरी होना बहुत आवश्यक है, हाथ बार बार धोएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन का उपयोग करें, आवश्यक काम हो तो ही घर से निकलें।